Good morning students and welcome to the YouTube channel of your school Akansha Vidyapeeth. Myself Parul Sharma, your science teacher. Hope you are doing good at home and studying well. Today we will start class 8 science chapter number 3 materials in daily life. In this chapter we will going to learn about the natural materials, man-made or synthetic fibers, about polymers, types of man-made fibers, plastics, and conservation measures against the use of plastics. Now, all the materials which we see around us are made up of different materials. But where do these materials come from? These materials are either natural materials or man-made materials. Now, what are natural and man-made materials? The materials which we obtain directly from nature, as from living and non-living things, are called as natural materials, and man-made materials are made by men from natural materials by some chemical processes. Natural materials come from nature and can obtain from plants, animals, and minerals like wood, cotton, natural rubber, wool, silk are examples of natural materials. Natural materials होते क्या हैं? Natural materials वो materials होते हैं जो हमें plants, animals या फिर minerals या rock से मिले nature में directly. जैसे कि हमारे पेपर, वूल या क्ले हमें नेचर में डायरेक्टली मिलते हैं, इसीलिए ये एग्जांपल्स हैं नेचुरल मटेरियल्स के. नेक्स्ट इज मैनमेड मटेरियल्स. मैनमेड मटेरियल्स क्या होते हैं? मैनमेड मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचुरल मटेरियल्स में कुछ केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं मैनमेड मटेरियल्स. मैनमेड मटेरियल्स के एग्जांपल हैं क्लोथ्स, प्लास्टिक, और जो भी हम घर में ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारे मैनमेड मटेरियल्स होते हैं. जो कपड़े हम पहनते हैं वो सब फाइबर्स के बने होते हैं, और ये फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं. एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट से जो मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स, और जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल हैं कॉटन, सिल्क, वूल, और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स है नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर. नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल्स से मिलते हैं, लाइक कॉटन, कॉटन प्लांट से, वूल शीप से, और सिल्क, सिल्क वर्म से. मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर्स जो केमिकल सिंथेसिस से मिलते हैं, एग्जांपल्स है पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, नायलॉन, रेयन. जो पॉलिएस्टर और नायलॉन फाइबर्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली मैनमेड फाइबर्स हैं. इसके बाद एक्राइलिक, रेयन्स और एसिटेट्स आते हैं. जो मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हमें नेचुरल फाइबर्स में नहीं मिल पाते हैं. लाइक जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो टफ़ और ड्यूरेबल होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट और ड्राई करने में ईजी होते हैं, श्रिंक नहीं होते हैं, रिंकल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी क्रीज ज़्यादा देर तक रहती है, और वो कलर को ब्लीच नहीं करते हैं जब हम उन्हें धोते हैं. इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स से सस्ते होते हैं और एग्रीकल्चर या एनिमल फार्मिंग पर डिपेंड नहीं करते हैं. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, लाइक स्लिपरी होते हैं, हो नॉट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, और हीट और यूवी रेडिएशन के द्वारा डैमेज भी हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स होते क्या हैं? जो टर्म है पॉलीमर वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है, पॉली मतलब मैनी और मर मीन्स यूनिट्स. देयरफॉर पॉलीमर्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर से मिलकर बने होते हैं. पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल डैट इज़ क्रिएटेड व्हेन मोनोमर्स आर जॉइंट टुगेदर.
एंड मोनोमर इज अ सिंगल यूनिट दैट इज यूज टू बिल्ड अ पॉलीमर. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मोनोमर का इथीन. बहुत जब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो पॉलीथीन पॉलीमर बनाते हैं. पॉलीमराइजेशन जो होता है वो भी टू टाइप्स का हो सकता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. पॉलीथीन की तरह बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि हमारे द्वारा हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं. नाउ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? मोनोमर से पॉलीमर के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग मोनोमर और सिंगल यूनिट्स टुगेदर थ्रू अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पॉलीमर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स. बहुत ही वाइड रेंज है मैन मेड फाइबर्स की जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं, लाइक रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक. फर्स्ट इज़ रेयन. रेयन जो फर्स्ट मैन मेड फाइबर है वो रेयन है. इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिल्क के जैसे ही होती हैं. रेयन सेल्यूलोस से प्रिपेयर किया जाता है जो कि हमें वुड पल्प से मिलता है. उसे फिर हम केमिकली ट्रीट करते हैं ताकि हमें एक सोल्यूबल सब्सटेंस मिल जाए. इस सोल्यूबल सब्सटेंस को स्पिनरेट के थ्रू पास किया जाता है और हमें रेयन के फाइबर्स मिल जाते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयन, शाइनी और लस्टरस होता है, सॉफ्ट और कंफर्टेबल टू वेयर, इजीली डाई हो जाता है डिफरेंट कलर्स में, लेस एक्सपेंसिव होता है सिल्क से और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है. नाउ यूजेस ऑफ रेयन, यूज़ इन होम फर्निशिंग्स लाइक इन बेड स्प्रेड, ब्लैंकेट्स, अपहोल्स्ट्री, क्लोदिंग, यूज टू मेक मैनी क्लोथ्स एंड एसेसरीज एंड इंडस्ट्रियल यूज इन मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट्स एंड टायर कॉर्ड. नेक्स्ट इज नायलॉन. नायलॉन जो है एक सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर है जो सिल्क और वूल की प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल करता है. ये फर्स्ट फुली सिंथेसाइज्ड फाइबर था और इसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है. जो नाम है नायलॉन इसीलिए पड़ा क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में इसे एक साथ बनाया गया था. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन, इट इज़ स्मूथ, वॉश करने में इजी है, रिंकल नहीं पड़ते हैं, वेरी लाइट, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, ड्राइज आउट क्विकली एंड रेजिस्टेंट टू एब्रेशन एंड केमिकल. नाउ यूजेस ऑफ नायलॉन, यूज इन मेकिंग स्विम वेयर, रेन कोट्स, अम्ब्रेला, हैट्स, लेगिंग्स, पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है और बहुत सारे क्लोथ्स बनाने में जैसे साड़ी, शर्ट, सॉक्स और दूसरे गारमेंट्स और फिशिंग नेट्स, टेंट्स, टायर कॉर्ड, क्लाइंबिंग रोप्स, पैराशूट में भी ये यूज़ होता है नायलॉन फाइबर. नाउ नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर एक ऐसा पॉलीमर है जिसे कोल, एयर, वाटर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से एक साथ बनाया जाता है. पॉलीथालीन टर्थैलेट दैट इज PET, ये एक वेल नोन पॉलिएस्टर पॉलीमर है. टेरिलिन फाइबर्स यूज़ होता है फैब्रिक बनाने के लिए और उसे बहुत सारे दूसरे फाइबर्स के साथ मिक्स करके डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फैब्रिक्स बनाया जाता है. इन्हें हम ब्लेंडेड फैब्रिक्स कहते हैं. जैसे पॉलीकॉट बनाया जाता है पॉलिएस्टर और कॉटन के मिक्सचर से और पॉलीवूल बनाया जाता है पॉलिएस्टर और वूल के मिक्सचर से. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिएस्टर, स्ट्रेचेबल होता है, ड्यूरेबल और श्रिंक नहीं होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, इजी टू वॉश, सूखता जल्दी है और रिंकल्स नहीं पड़ते हैं इसमें. यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर, फाइबर होजेस बनाने के काम आता है, वाइडली यूज एज अ ड्रेस मटीरियल. और PET वो बॉटल्स और स्टोरेज कंटेनर्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है. पॉलिएस्टर इज़ आल्सो यूज्ड फॉर पिलो स्टफिंग और पॉपुलरली कंबाइंड विद नेचुरल फाइबर्स एंड अदर मैनमेड फाइबर्स टू मेक ब्लेंडेड फैब्रिक्स. नेक्स्ट इज एक्राइलिक फाइबर. एक्राइलिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि पॉली एक्राइलो नाइट्राइल पॉलीमर से मिलके बने होते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ वूल के सिमिलर होती है, सॉफ्ट, लाइटवेट और वॉर्म होता है, इसीलिए एक चीप अल्टरनेटिव है वूल का. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्राइलिक फाइबर, लेस एक्सपेंसिव होती है ये और
इसीलिए ज़्यादा अफोर्डेबल है, मोर ड्यूरेबल है क्योंकि इसमें मॉथ्स वगैरह नहीं लगते, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, और इसको डिफरेंट कलर्स में हम डाई कर सकते हैं। यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, कुशंस एंड होम फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड रोप्स एक्सेट्रा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक। प्लास्टिक्स हम सबको पता है, जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हमारे घर में या आसपास सभी प्लास्टिक से ही बने होते हैं। ज़्यादातर जो प्लास्टिक है ये पॉलीमर है जो कि कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स की लॉन्ग चेन से मिलकर बना होता है। जो वर्ड है प्लास्टिक, ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है केपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और मोल्डेड। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है बहुत ही ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर मास का। ये सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं और लार्ज चेन लाइक मॉलिक्यूल्स जिसमें कि कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर फाउंड, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक आता कहाँ से है? जो प्लास्टिक है ये सेल्यूलोज से बनता है और ये सेल्यूलोज जनरली हमें रिसाइकल न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड या पेपर्स वगैरह से मिलता है। हिस्ट्री प्लास्टिक की कि जो फर्स्ट प्लास्टिक है वो 1862 में बना था और उसके बाद बहुत सारे नए प्लास्टिक्स बनते गए। जो मोस्ट प्लास्टिक्स है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से मिलकर बने होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो ऐसा प्लास्टिक जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक को हम मेल्ट कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार जिस शेप में आ गए तो फिर वो उसी शेप में रहते हैं, मेल्ट नहीं हो सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं जो भी हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हमारे घर में वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, लाइक चेयर, टेबल, प्लास्टिक बॉटल्स एक्सेट्रा। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये मोल्ड नहीं हो सकते, सॉफ्ट नहीं होते हीट पे, और इसके एग्जाम्पल है बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस और बहुत सारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने के लिए। मेलामाइन ये वर्सेटाइल मटेरियल है, ये फायर, इसमें आग नहीं लगती और हीट को अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर बनाने में इसका यूज़ होता है। ना थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में डिफरेंसेस, लो स्ट्रेंथ कंपेयर टू थर्मोसेट्स होती है थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोसेटिंग की मोर स्ट्रेंथ होती है। थर्मोप्लास्टिक को हम फिर से प्रोसेस कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं कर सकते। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, लाइट वेट होता है, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगता और रिसाइकलेबल होता है। ना डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, कैंसर कॉज कर सकता है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, लैंड हो या फिर एनिमल और ह्यूमन हेल्थ। जो प्लास्टिक्स है हमें पता है एवरी फील्ड में यूज़ होता है, पैकेजिंग में, फर्नीचर, मेडिकल, ऑटोमोबाइल, पर इसका ज़्यादा यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये एडवर्स इफ़ेक्ट है प्लास्टिक का एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट को, हमारी मरीन लाइफ को, लैंड को पोल्यूट करता है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है, और बहुत ज़्यादा अगर प्लास्टिक वहाँ जम जाए तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट है मरीन लाइफ पे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए लैंड को भी पोल्यूट करता है, हमारी फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। प्लास्टिक जो है सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस करता है और ये एनवायरमेंटल एथिक्स को स्पॉइल करता है और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। प्लास्टिक इजीली डिग्रेड नहीं होता है, पर ये जब डिग्रेड होना शुरू होता है तो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है जो कि
फूड चेन में एंटर होके मैन, एनिमल, प्लांट्स सभी की लाइफ को थ्रेट करता है। टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कॉज करते हैं। इसीलिए हमें प्लास्टिक के यूज़ को कम करना होगा। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं हमें खुद का बैग लेकर जाना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं हो। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए प्लास्टिक्स का, और हमें हमेशा 4 आर्स के प्रिंसिपल पर चलना चाहिए। दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल एंड रिकवर। तभी हम प्लास्टिक के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच पाएंगे। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव किए हैं प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस करने के लिए, और काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं और स्टेट्स हैं जहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ जो है वो बैन हो गया है। थैंक यू, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। कीप फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग हार्ड। स्टे सेफ एंड हेल्दी एट होम। बाय बाय।